सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा कि हम किस तरीके से हम ज़्यादा क्लैरिटी अपनी वॉइस के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो हमारे 4 बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, क ख ग और घ और साथ में र ल और साथ में स और श। ये मेजरली 8-10 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके अंदर चाहे वो अटकने वाला हो, तुतलाने वाला हो, मैक्सिमम प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो, सबसे पहले ना इन सब का बेसिक को समझो। बेसिक क्लियर हो गया फिर कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक क्या है? क ख ग और घ, चारों अल्फ़ाबेट्स में जीभ नीचे रहेगी और कोई ज़ीरो मूवमेंट रहनी चाहिए। अगर मूवमेंट हुई जीभ की तो वो आपका साउंड इन 4 अल्फ़ाबेट्स के लिए ख़राब हो जाएगा। अगर मूवमेंट नहीं होती तो बिल्कुल क्लैरिटी से आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, क ख ग घ, ये 4 अल्फ़ाबेट्स में जीभ नीचे थी तो सारे अल्फ़ाबेट्स इजीली बोले गए। अगर मूवमेंट करूँ तो क ख गड़ घर, जितनी मर्जी मूवमेंट कर लो वो साउंड मिल ही नहीं सकती। और न की नेजल साउंड आएगी फिर आपको लगेगा, लगता है मुझे नाक से आवाज़ आने की प्रॉब्लम हो गई है। तो इनका बेसिक अब क्लियर हो गया। अब उसके बाद स और श, स का कुछ भी नहीं है। अगर स नहीं बोला जा रहा उसके लिए बता रहा हूँ, उसका ईजिएस्ट मेथड है अपनी जीभ को ना अपने दोनों ऊपर और नीचे वाले दांत के नज़दीक ले, सो दैट अगर ये मेरा ये अगर ऊपर और नीचे के दांत है तो इसके बीच में जीभ को हल्का सा फिक्स कर लो, सो दैट वो मूवमेंट ना करे कोई भी। फॉर एग्जांपल सर सर सर, इस तरीके से सर की प्रैक्टिस करोगे सर क्लियर हो जाएगा। श श के लिए एक्सप्रेशन देखो मेरे चेंज हो रहे हैं वाइल स्पीकिंग। श श अगर इस तरीके से बोलता हूँ श क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है र, र का सबको पता है जीभ ऊपर जाती है, वाइब्रेट होती है, र निकल जाता है। फॉर एग्जांपल र र ल ल, र में जीभ ऊपर रुकी हुई, ल में वो नीचे आ गई। अब ये था इनका बेसिक्स। अब है बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें स्टैमरिंग वाले को क्यों प्रॉब्लम आ रही है और तुतलाने वाले को ये प्रॉब्लम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स में क्यों आ रही है ज़्यादा। स्टैमरिंग वाले की बात करेंगे पहले। अटकने वाला हमेशा जब भी कुछ बोलने लगता है एक तो ज़्यादा जोर लगा के बोलने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि मेरे को बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन मुंह से जब बोलने लगते हैं तो वो ज़्यादा हमारा ब्रीदिंग लेवल, सांस का लेवल 2-4 अक्षर बोलने में ख़त्म हो जाता है और फिर हमें लगता है यार कुछ बोला ही नहीं गया, ब्लॉकेज होगी। इस वजह से होती है, हमारा ब्रीदिंग लेवल अगर एक चीज़ को बोलने में ज़्यादा यूज़ हो जाएगा आगे वाले वर्ड्स तो ऑब्वियसली बात है ना मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। तो वहाँ पे अपने ब्रीदिंग लेवल का ध्यान रखिए, अपनी स्पीड का ध्यान रखिए। अब उसके बाद आती है तुतलाने की बारी। तुतलाने में इन अल्फ़ाबेट्स की क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम सिंगल सिंगल तो क्लियर बोल रहे हैं लेकिन जब हम इसको वर्ड्स में बोलते हैं या किसी से बात करते हैं हम वहाँ ये सोचने लग जाते हैं कि साहिल सर ने तो बताया था बेसिक वो है। वहाँ बेसिक काम नहीं करेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। जब नॉर्मल स्पीकिंग की बारी आती है वहाँ अगर आप बेसिक्स के हिसाब से अगर जीभ को नीचे रख के चलोगे या ऊपर रख के चलोगे, अगर ये ध्यान रखोगे मैं र में ऊपर लेके जाऊँ रमेश रेवड़ी, अगर ऐसे करके बोलोगे वो एबनॉर्मल स्पीकिंग है। जनरल स्पीकिंग में ये ध्यान रखना है कि मेरा स्पीड का लेवल कहाँ जा रहा है। जब स्पीड के लेवल को आपने नॉर्मल स्पीकिंग में कंट्रोल कर लिया तो आपके अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल क्लैरिटी से निकलेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट निकलेगा। वहाँ ध्यान रखना स्पीड का। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट जो साउंड नहीं आ रही पहले साउंड तो क्लियर कर लूँ ना, फिर उसके बाद मैं जनरल स्पीकिंग में भी आ जाऊँगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं अगर आपको समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना, एक सेशन में लाइव रिजल्ट आपको हम दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच।